दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। गाइज, आज हम यहां पर जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वह श्रीलंका और यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूज की न्यूज में क्या बात कही गई है। न्यूज है, यूएन राइट्स ऑफिस गेट्स मैंडेट टू डॉक्यूमेंट श्रीलंका वॉर क्राइम्स। यानी पिछले कुछ समय श्रीलंका में हुए वॉर क्राइम्स को लेकर के यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक प्रस्ताव लाया गया है और इस प्रस्ताव में कुछ बातें कही गई हैं। तो आज के इस पूरे डिस्कशन में हम इस प्रस्ताव और यह क्यों लाया गया और इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ के हम सबसे पहले देखते हैं आज के डायमेंशंस क्या होने वाले हैं इस टॉपिक में। गाइज, आज हम कवर करेंगे यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल का वह रेजोल्यूशन, उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं और उसे किस आधार पर लाया गया है इसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे श्रीलंका के गृह युद्ध को लेकर के, जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद में ऐसी बातें सामने आई हैं और श्रीलंका ने ऐसे कौन से कारण थे श्रीलंका के गृह युद्ध के चलते कि ऐसा रेजोल्यूशन यहाँ पर लाया गया है। बात करेंगे इस ओवरऑल कंटेक्स्ट में भारत की क्या स्थिति रहने वाली है और भारत इस पूरे मामले को किस तरीके से डील करने का प्रयास कर रहा है। चूँकि श्रीलंका भारत का एक बहुत ही अच्छा पड़ोसी है और बहुत नज़दीक तो है ही, ऐसे में भारत के लिए श्रीलंका की स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। चुनौतियां क्या होने वाली हैं भारत के लिए, साथ ही आगे की राह क्या हो सकती है और एक सवाल जिस पे हम आज के टॉपिक के आधार पर डिस्कशन करेंगे। गाइस, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के रेजोल्यूशन को। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC में ब्रिटेन और उसके कुछ सहयोगी देशों द्वारा एक रेजोल्यूशन लाया गया है। इन सहयोगी देशों में जर्मनी, कनाडा जैसे कुछ देश शामिल हैं। इस रेजोल्यूशन में क्या बातें कही गई हैं? तो गाइस, सबसे पहले इसका नाम देख लेते हैं। इस रेजोल्यूशन को प्रमोटिंग रिकंसिलिएशन, अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स इन श्रीलंका कहा गया है। यानी इनका ऐसा मत है कि श्रीलंका में जो सिविल वॉर की स्थिति बनी थी उसके बाद से मानवाधिकारों की स्थिति बेहतर नहीं है और श्रीलंका की सरकार ने उसको सुधारने के लिए भी कोई बहुत महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए हैं, ऐसे में यहाँ पर यह मामला लाया गया। अब इसमें जो स्थिति थी वह यह थी कि श्रीलंका में लंबे समय तक चले गृह युद्ध से संबंधित अपराधों की जानकारी और सबूतों को एकत्रित और उन्हें संरक्षित करना, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वहाँ पर क्या स्थितियाँ थी, उनके एविडेंस जुटाए जाएं। यहाँ पर उन्होंने इस तरह का प्रस्ताव लाने के पीछे जो कारण बताया है वह यह है कि पिछले कुछ वर्षों से मानवाधिकारों की स्थिति बिगड़ रही है, ऐसे में यह रेजोल्यूशन एक तरह से प्रारंभिक चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए। हमने देखा कि श्रीलंका में तो उस वक्त जो स्थितियां बनी थी वो तो थी ही, आज के समय में भी और पिछले कई वर्षों से, हम दशकों से भी ऐसी बात कह सकते हैं कि म्यांमार जैसे कई देशों में या फिर और भी कई देशों में जो मानवाधिकारों का हनन होता हुआ दिखता है, हम चीन में ऐसे मामलों को देखते हैं, हांगकांग में देखते हैं और साथ ही तिब्बत में भी देखते हैं कि ऐसे मामलों में जहाँ पर लोगों को उनके ही देश से निकालने की स्थितियाँ बनती हैं, उनके साथ नरसंहार किया जाता है। तो ऐसे में मानवाधिकार परिषद का यह मानना है कि ऐसा प्रस्ताव लाया जाना मानवाधिकार परिषद की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा और उसके जरिए ऐसे सुधारों को बढ़ाने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। अब इसमें इन्होंने जो पॉइंट कहा है वह यह है कि नागरिक सरकार के कार्यों में सैन्य अधिकारियों का शामिल होना एक चुनौती है, साथ ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता में गिरावट आना और अपराधों के लिए जवाबदेही में कमी होना और राजनीतिक बाधाएं यहाँ पर बड़ी चुनौती बनती हुई दिख रही हैं। पिछले हमने बात की अभी म्यांमार की, वहाँ पर भी सैन्य शासन ने ही तख्ता पलट किया या फिर अन्य जगहों पर भी हमें पूरी तरह से लोकतंत्र की स्थितियाँ नहीं दिखाई देती, तो ये चिंता का विषय था। अब इसको लेकर के जो यूनाइटेड नेशंस की काउंसिल है ह्यूमन राइट्स की, उसमें प्रस्ताव लाया गया और वोटिंग की गई। तो देखते हैं इस प्रस्ताव में वोटिंग की प्रक्रिया क्या रही, किसने किसने इसमें पार्टिसिपेट किया। गाइज, इसमें कुल 47 देशों की परिषद में जो टोटल मेंबर्स थे जिन्होंने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया वे थे 22 देश। ऐसे देश जिन्होंने इस प्रस्ताव के विपक्ष में वोट दिया वो थे 11 देश और इन 11 देशों में चीन, रूस, बांग्लादेश शामिल हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, क्योंकि चीन अगर इस रेजोल्यूशन के विपक्ष में वोट देता है यानी चीन श्रीलंका की सरकार का समर्थन कर रहा है,
ऐसे देश जो इसके फेवर में वोट देते हैं वे इस प्रस्ताव का समर्थन करने का अर्थ हुआ कि श्रीलंका के खिलाफ बात कर रहे हैं। अब समझते हैं भारत ने क्या किया। तो भारत उन देशों में शामिल था जिन्होंने इस वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया, यानी वे 14 देश जिन्होंने इसमें किसी भी तरह से वोट नहीं दिया, यानी ना ही पक्ष में ना ही विपक्ष में, तो भारत इसमें शामिल है। ये येलो पे से मार्क किया गया है। तो ऐसे में भारत की स्थिति बहुत ही अलग हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि अगर भारत इस प्रक्रिया के पक्ष में वोट देता तो उसे श्रीलंका की स्थिति के विरोध में देखा जाता, और अगर इसके विपक्ष में वोट देता तो इसकी स्थिति मानवाधिकारों के विरोध में जाती हुई दिखाई देती। तो अब बात करते हैं हम श्रीलंका के गृह युद्ध के बारे में कि वे कौन सी परिस्थितियां थीं या क्या था जिसकी वजह से ऐसी चर्चा यहां पर की गई है। तो 1948 में ब्रिटिश शासन से आज़ाद होने के बाद से ही श्रीलंका में ऐसी कुछ स्थितियां बननी शुरू हो गई थी। इसका जो मेन कारण था वह यह था कि श्रीलंका की बहुसंख्यक आबादी सिंहली है, और उनका जो टकराव हो रहा था वह था वहाँ की अल्पसंख्यक तमिल आबादी से। हालांकि और भी वहाँ पर एथनिक ग्रुप्स मौजूद हैं, लेकिन जो मेन यहाँ पर टकराव की वजह थी वह इन दो मेजर ग्रुप्स के बीच में थी। 2001 की श्रीलंका सरकार की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि सिंहली समुदाय लगभग 82% है और तमिल समुदाय की आबादी लगभग 9.4% है। ऐसे में जब श्रीलंका आज़ाद हुआ तो धीरे धीरे करके तमिल लोगों के पक्ष में जो भी नियम बनाए जाने थे उनसे बिल्कुल ही उल्टा काम वहां पर देखने को मिला, या ऐसे आरोप लगाए गए। यानी स्वतंत्रता के बाद सिंहली बहुमत वाली सरकार ने तमिलों के खिलाफ कई सारे भेदभाव करने वाले कानूनों को पारित किया। जैसे इसके बाद 1972 में देश का नाम सिलोन से बदल दिया गया, उन्होंने श्रीलंका कर दिया, ये भी इसी बहुमत वाली सरकार ने किया। इसके अलावा सिंहल को आधिकारिक भाषा के तौर पर शामिल कर दिया गया, उन्होंने बौद्ध धर्म को देश का प्रमुख धर्म घोषित कर दिया। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो थीं वे तमिल लोगों को धीरे धीरे करके उनका विरोध आकर्षित कर रही थी या उनके अंदर विरोध को पैदा कर रही थी। आगे चलकर क्या हुआ, जब इस तरह की कोई भी स्थिति बनती है तो आगे चल के इंसर्जेंसी की स्थितियां भी देखने को मिलती हैं। कोई एक बड़ा गुट बनता है किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में, ऐसा ही यहाँ भी हुआ। 1976 में वेलुपिल्लई प्रभाकरण के नेतृत्व में एक लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, यानी इसे लिट्टे भी कहते हैं, LTTE का गठन किया गया। इस लिट्टे ने क्या किया, इन्होंने कहा कि तमिल को तमिल मातृभूमि, तमिल के लोगों के यानी तमिल जनता के लिए वे सुरक्षित करेंगे और एक बड़ा क्षेत्र अपने हिस्से में लेकर के सरकार का गठन करेंगे। हालांकि लिट्टे की जो कार्यशैली थी वह बहुत ज़्यादा आक्रामक थी और बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से इन्होंने कार्य किया। अब श्रीलंका सरकार और लिट्टे के बीच में लगभग 3 दशकों तक ऐसी बहुत ज़्यादा हिंसक झड़पें होती रहीं, जिसमें श्रीलंका के प्रमुख राजनीतिज्ञों से लेकर के कई सारे लोग इसमें मारे गए। अब 2009 में जब ये स्थितियां लगभग सरकार के हाथ से बाहर होती हुई दिखी तो श्रीलंका की सरकार ने एक बड़ा कदम लेने का फैसला लिया और एक बहुत बड़ा खूनी संघर्ष छेड़ दिया गया लिट्टे के खिलाफ, जिसमें प्रभाकरण को मार दिया गया, ऐसी जानकारी श्रीलंका सरकार ने दी, और उन्होंने दावा किया कि अब लिट्टे समाप्त हो चुका है, जिसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे शांति की बात कही जाने लगी। लेकिन शांति स्थापित हुई या नहीं ये बड़ा मुद्दा रहा यूनाइटेड नेशंस की इस परिषद के लिए। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने इसको बड़े तौर पर उठाया कि 2009 से समाप्ति के बाद भी अब तक स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सामान्य होती हुई नहीं दिखी। यूएन ने इसके लिए अक्सर कई सारी रिपोर्ट्स दी, 2015 में भी एक रेजोल्यूशन लाया गया था, उसके पहले भी लाया गया था, लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ पर कोई बड़ा कदम यहाँ पर नहीं श्रीलंका के द्वारा उठाया हुआ दिखता, ऐसा यूएन की रिपोर्ट्स भी कहती हैं। उनके मुताबिक लगभग 26 साल के इस युद्ध में 80,000 से 1,00,000 तक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्षेत्र को, मैप में देखते हैं तो ये जाफना का एरिया है और हम बात कर रहे हैं इस पूरे में उत्तरी क्षेत्र की और यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र की। तो ये एरिया तमिल लोगों का और लिट्टे का एक प्रभावी क्षेत्र माना जाता है, इसके चलते ही यहाँ पर सारा विवाद होता रहा। अगर बात करें भारत की स्थिति के बारे में तो भारत के लिए श्रीलंका बहुत महत्वपूर्ण है और भारत के उससे पुराने बहुत समय से ही सांस्कृतिक और कई तरह के संबंध रहे हैं। बौद्धिक कह सकते हैं, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विरासत दोनों देश साझा करते हैं।
भारतीय आवास परियोजना भारत सरकार की श्रीलंका के विकासात्मक सहयोग में एक बड़ी परियोजना मानी जाती है। इसी तरह दोनों देशों के बीच अपनी सेनाओं को लेकर के अभ्यास भी किए जाते हैं, जिसमें मित्र शक्ति और शी यानी SLINEX श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज भी महत्वपूर्ण है। अब भारत ने क्या कहा इस वोटिंग को लेकर के, जब यूनाइटेड नेशंस की इस परिषद में ऐसा कोई प्रस्ताव लाया गया तो भारत ने उसके पहले परिषद को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में उन्होंने कई सारी बातें कही थी। यहाँ पर इस ट्वीट में उन्होंने इस पत्र को शेयर भी किया है भारत सरकार ने, जिसमें उन्होंने जो भी बातें कही हैं वे यहाँ पर लिखी हुई है। हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भारत ने यहाँ पर जो मेन बात कही है वह भारत का श्रीलंकाई तमिलों को लेकर के उन्होंने अपना मत सामने रखा है कि वे उन तमिल लोगों के लिए समानता, न्याय, गरिमा और शांति के लिए समर्थन करते हैं, यानी भारत उन लोगों के पक्ष में भी बात कर रहा है। इसके अलावा जो दूसरा पक्ष है, यानी भारत ने यहाँ पर दो पक्षों की प्रमुख रूप से चर्चा की कि भारत दो तरह से इस पूरे मुद्दे को देखता है, एक है तमिल लोगों के पक्ष में, दूसरा श्रीलंका की अखंडता और उसकी सुरक्षा को लेकर के भी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि वो श्रीलंका की एकता, स्थिरता और क्षेत्रीय अखंडता को भी समर्थन देते हैं, यानी ऐसा न लगे कि भारत तमिल लोगों को समर्थन दे करके देश के हिस्से को अलग करना चाहता है या ऐसी कोई भी स्थिति कल को श्रीलंका की सरकार के मन में ना आए। तो भारत ने अपना एकदम स्पष्ट स्टैंड यहाँ पर दिया है कि भारत दोनों चीज़ों को समान रूप से बढ़ावा देते हुए, चूँकि जाहिर सी बात है कि अगर एक बड़ा समुदाय श्रीलंका में रहता है जो कि तमिल है, तो उसके भी मानवाधिकार हैं, उनको भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल किया जाना चाहिए। तो ऐसे में भारत ने अपना स्टैंड साफ किया है। भारत ने यह भी बताया कि 2009 के बाद से श्रीलंका में जो पुनर्बहाली की प्रक्रिया चल रही है उसमें और पुनर्वास में भारत ने लगातार सहयोग दिया है। इसके साथ ही श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी भागों में, अभी हमने मैप में जिसको देखा, उन क्षेत्रों में भी विकास परियोजनाओं, लोगों की आजीविका और आर्थिक गतिविधियों में भारत ने समर्थन किया है ताकि इन लोगों को पुनर्बहाली और पुनर्वास की स्थितियां इनको प्रदान की जाएं। अब यहां पर लेकिन भारत के लिए चैलेंज कहां पर होने वाला है, तो सबसे पहला तो ये कि भारत के जितने भी पड़ोसी हैं तो पड़ोसी देशों के साथ भारत को संबंधों को लेकर के एक अक्सर समस्या देखने को मिलती है भारत के संबंधों में। जैसे हमने नेपाल के बीच में देखा, यहाँ श्रीलंका, वहाँ पाकिस्तान और चीन तो साथ में है ही। इसके अलावा चीन का बढ़ता प्रभाव, जैसे अभी हम बात कर रहे थे इस रेजोल्यूशन को लेकर के, चीन ने इसमें डायरेक्ट समर्थन किया है और पाकिस्तान ने भी समर्थन किया है, रूस ने भी समर्थन किया है। ऐसे में श्रीलंका के लिए चीन का समर्थन यहाँ पर बहुत उपयोगी है। हालांकि श्रीलंका से कई सारे ऐसे ट्वीट भी या फिर ऐसे जवाब भी देखने को मिले जहाँ उन्होंने भारत को भी धन्यवाद किया है, लेकिन जाहिर सी बात है जो देश वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहा है उसका पलड़ा भारी होता हुआ तो दिखता ही है। तो पाकिस्तान का भी सहयोग बढ़ रहा है, साथ ही आंतरिक राजनीति भारत की श्रीलंका को लेकर अक्सर बहुत ज़्यादा संवेदनशील बनी रहती है। जैसे कई सारे गुटों ने यहाँ पर भारत सरकार से ये बात कही कि आपको उस जो रेजोल्यूशन है उसके समर्थन में आपको मत देना चाहिए था, वहीं कुछ का कहना है कि आपको स्पष्ट रूप से उसका विरोध करना चाहिए था, यानी मानवाधिकारों का समर्थन करना चाहिए था। ये कुछ मिली जुली सी प्रतिक्रिया भारत की आंतरिक राजनीति से भारत को देखने को मिली। अब इसमें क्या किया जा सकता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही कि हमें प्रयास करना चाहिए पड़ोसियों से संबंधों को सुधारने में। तो भारत प्रयास कर रहा है इस दिशा में, कैसे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समर्थन देकर। तो भारत का यहाँ पर जो स्टैंड है यानी किसी भी पक्ष में वोट ना देना, वो इस चीज़ का समर्थन करता है और भारत ने अपने पत्र में इस बात को खुले तौर पर स्वीकार किया है कि वे समर्थन करते हैं तमिल लोगों का और साथ ही उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध करते हैं। कूटनीतिक स्तर पर संतुलन बनाने की जो बात है उसमें भी भारत प्रयास कर रहा है। जैसे अगर भारत इसके पक्ष में वोट दे देता तो जाहिर सी बात है कि श्रीलंका का यहाँ पर डायरेक्ट इंटरफेयर या डायरेक्ट श्रीलंका का विरोध देखने को मिलता भारत को। तो ऐसे में ये जो मिला जुला सा भारत ने स्टैंड लिया है, बीच का रास्ता अपनाया है, ये कूटनीतिक स्तर पर किया गया एक अच्छा प्रयास है। तो ये था आज का हमारा इस टॉपिक को लेकर के डिस्कशन। अब बात करते हैं आज के सवाल की। तो सवाल है, दक्षिण एशिया के बदलते समकालीन भू राजनीतिक परिदृश्य में भारत का UNHRC में श्रीलंका के खिलाफ वोटिंग प्रक्रिया में शामिल न होना कहाँ तक प्रासंगिक है, चर्चा कीजिए। तो हमने इस पूरे टॉपिक में अभी बहुत सारी बातें डिस्कस की है कि भारत ने इस प्रक्रिया में क्यों भाग नहीं लिया और या फिर भारत अगर भाग लेता तो क्या स्थितियां बन सकती थी। तो आप इन सभी पॉइंट्स को कलेक्ट करते हुए इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो गाइज ये था आज का हमारा ओवरऑल डिस्कशन, आपसे मिलेंगे अगले टॉपिक में।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।